हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हो चुकी है दिन की शुरुआत, अब करते हैं व्लॉग की शुरुआत बप्पा के पूजा और आरती के साथ। तो आज है 9th डे और कल है लास्ट डे, तो कल होगा हमारा विसर्जन। तो चलिए कल देखते हैं क्या करते हैं। बाकी भोग की तैयारी चालू हो चुकी है। हम बना रहे हैं आज चौली। तेल गरम करके हमने जीरा डाला, उसके बाद टमाटर की प्यूरी, फिर इसमें हम डालेंगे मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी का पाउडर और नमक हमने डाल दिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। चौली को हमने बॉईल करके रख लिया है, जब ये मसाला फ्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इसको। चौली की सब्जी तैयार है। तो तेल गरम हो चुका है, हम डाल देंगे जीरा। जीरा थोड़ा तड़क जाएगा तो फिर हम हरी मिर्ची डालेंगे, हम फ्राई होने देंगे और नमक डाल के भाजी लगा के थोड़ा हम इसको फ्राई होने देंगे, फिर इसमें नमक डाल के गैस को धीमा करके 10 मिनट तक पकाएंगे आलू को। मैं बताना भूल गई थी, हम लोग तेज पत्ता और लौंग डालेंगे, उसके बाद हम लोग हरी मिर्ची और आलू डालेंगे। और हम लोग इसी स्टेज पर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक हम डाल चुके हैं। अब हम लोग इसको पकने देंगे, आलू को एकदम सॉफ्ट होने देंगे। ऐड कर देंगे मटर और मटर को भी 10 मिनट तक पकाएंगे। हमारा आलू यहाँ पक चुका है, अब हम इसी स्टेज पे डाल देंगे राइस। हम लोगों ने अब हम इसको धीरे धीरे मिक्स करेंगे अच्छे से। रेडी है हमारा पुलाव, तो चलिए बप्पा की थाली लगाते हैं। रेडी है बप्पा का भोग, पुलाव, दही, ये है आपका चौली की सब्जी, आप इसको क्या बोलते हो आप मुझे कमेंट में बताओ। ये है उनका फेवरेट मोदक, और ये है रोटी, और ये है उनका फेवरेट दूरबा। तो चलिए भोग लगाते हैं। देखिए कुंभकर्ण अभी सो के उठा है, मेरा कुंभकर्ण, और देखिए टाइम कितना बज रहा है, 11:30 बजे कुंभकर्ण सो के उठा है और अभी भी मम्मा की गोद में बैठा हुआ है। इसको अभी भी नींद आ रही है, इसकी आईज अभी भी क्लोज है। उठो भाई। तो हो चुका है सुबह का सब काम, बापा का भोग, बापा की पूजा। अब है बारी शिवानकृति की। तो इस टाइम मैं शिवानकृति की कल करती हूँ मालिश। तो देखिए इसको मैंने इधर बिठा लिया है और थोड़ा सा इसको मालिश करेंगे। हाय बोलो। तो अभी मैं इसकी करूँगी मालिश, उसके बाद इसको 10 मिनट रेस्ट करने दूंगी, उसके बाद इसको नहलाऊंगी। और हो गई है शाम, अब करेंगे आरती और उसके बाद शाम को भोग की तैयारी। आज है राज की छुट्टी और शिवानकृति। क्या कर रहे हो आप? ये इसका तो काम चालू ही रहता है। तो चलिए सब रेडी करते हैं। आजकल व्लॉग में कुछ ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं दिखा पा रही क्योंकि गणपति है, तो हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा पा रहे, इसलिए ये हाल किया है शिवानकृति ने मेरे लिपस्टिक का। आज देखो गणपति बाबा मंगल मूर्ति, मजा आया? गणपति भगवान को हाथ जोड़ो, जय जय, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आज मैं बना रही हूँ भोग के लिए साबूदाने की खीर। तो मैंने ये खीर चढ़ा दी है, अब ये धीरे धीरे बॉईल होगी, फिर हम इसमें डालेंगे केसर और शक्कर। काट लिया है परवल और आलू, हम इसकी सब्जी बनाएंगे और बनाएंगे पूरी। तेल हो चुका है गरम, हम डालेंगे परवल, डालेंगे नमक। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, आप जो आप यूज़ करते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम अभी 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे। इलायची का पाउडर, उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें केसर डालेंगे, थोड़ा सा एकदम। तो गाइस चलिए दिन ख़त्म, ब्लॉग ख़त्म। तो आपसे मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और कल है बप्पा का लास्ट डे यानी कि 10th डे,
तो कल है पापा का विसर्जन, तो थोड़ा सा इमोशनल होगा और देखते हैं कल। शिवानुभूति की अभी भी मस्ती चालू है, ऐसे ही कब से जुड़ी जा रही है। तो ठीक है, आपसे मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ और शॉर्ट्स बनाती रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँ।